was staring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग हक नवासान व्लॉग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद, बहुत सारा प्यार। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर वालों को, मेरे दोस्तों को, परदेसी भाइयों को और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन भाइयों को बहुत सारा प्यार। और तीसरा दिन ईद का बहुत बहुत मुबारक हो व्यूअर्स। और व्यूअर्स मैं आया हूँ बाहर, गर्मी सख्त है, धूप भी सख्त हो गई। अब चूँकि आपको पता है बहुत मज़े ले लिए हमने अप्रैल में, दिसंबर वाले मज़े लिए हमने और रोज़े बड़े अच्छे गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इनाम दिया, ईद भी पहला दिन फर्स्ट दिन अच्छा गुजरा। और व्यूअर्स अभी मैं आया हूँ, ये देख लें बाबा बना हुआ हूँ, बाल बड़े हुए हैं, खत बड़ा हुआ है। अभी जाएंगे बाल सेट करवाएंगे, खत बनवाएंगे। अभी जा रहा हूँ सैलून और मैं आया हूँ सैलून। तो मैंने कहा जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ माहौल भी शेयर करता जाऊँ। तो व्यूअर्स हमारे इलाके में जो गंदम की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और इक्का दुक्का लोगों ने कटाई का काम शुरू कर दिया है। तो अब फसल रेडी है, बस अब ये तीन चार दिन के बाद प्रॉपरली लोग अपनी गंदम की कटाई शुरू कर देंगे और फिर गंदम की कटाई होगी, फिर गई होगी, तो फिर सारा सिस्टम होगा। तो मैं आया हूँ बाहर, धूप सख्त है व्यूअर्स और टाइम हो गए हैं 10 के। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलें व्यूअर्स। आप सब्सक्राइब करेंगे तो भाई खुश होगा और भाई खुश होगा तो यकीन माने मैं आपके लिए दुआएं करता रहूँगा और भाई खुश होकर सो जाएगा, फिर उठेगा देखेगा भाई के सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो अभी जाएं, लेट्स गो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो आए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा आपको माहौल भी दिखाता चलूँ, बहुत ही फंटास्टिक गंदम का इतना ज़बरदस्त रंग हुआ हुआ है, पक के ही आप भी ज़रा चेक करें, बहुत ही ये देखें व्यूअर्स क्या ही मज़ेदार, हाय 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 ज़बरदस्त व्यूअर्स। चैसा आ गई ना, ये देखें क्या ही ज़बरदस्त सीन है, ये देखें। तो आए चलते हैं बाईपास के ऊपर, ऊपर से भी आपको दिखाते हैं नज़ारा। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें वो देखें, गंदम का रंग चेक करें, आपको नज़र आ रहा होगा उस साइड बाईपास की दूसरी तरफ, बहुत ही प्यारा कलर है व्यूअर्स। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई कहाँ पे घूमने के लिए जा रहा है ईद मनाने के लिए तीसरा दिन, तो कोई रिश्तेदारों के घर, कोई नाना अबू के घर, कोई दादा अबू के घर, कहीं दूर दूर से आ रहे हैं, और कोई मामू चाचू के घर, फुप्पो के घर, खाला के घर, इस तरह ये सिस्टम चल रहा है व्यूअर्स। ये देखें ये अब फैमिली जा रही है माशाल्लाह, बड़ा ही ज़बरदस्त। ये चेक करें व्यूअर्स क्या ही ज़बरदस्त रंग है। तो व्यूअर्स आपने देखा ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। साथ में तरबेला झील है, कुछ फैमिलीज वहाँ जा रही हैं, कुछ हाजपुर जा रही हैं हाजपुर डैम। तो ईद की छुट्टियाँ खुशियाँ अपनों के साथ मना रहे हैं, अल्लाह पाक इनको खुशियाँ नसीब करे। और अब मैं जा रहा हूँ सैलून, तो मैंने कहा आपके साथ भी थोड़ा सा माहौल शेयर करता चलूँ। बहुत ही प्यारा गंदम का कलर हुआ हुआ व्यूअर्स, मुझे बड़ी पसंद आई है, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। तो आए लेट्स गो, चलते हैं सैलून, फिर वापसी पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो व्यूअर्स मैं गया था हाथ बनवाने और दाढ़ी और बाल, तो अब बताएं कैसा हीरो लग रहा हूं ना, मैं तो हूं ही हीरो, आपने बताना है, अब हीरो लग रहा हूं ना व्यूअर्स। और गया था 10 बजे, तो आज भी रश थी वहाँ पर, आज भी रश थी, तीसरा दिन है ईद का और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बाल नहीं बनवाए, हाथ सेट नहीं करवाया, दाढ़ी, तो वो आज आए हुए थे। और 10 बजे गया, अब 1 का टाइम हुआ, मेरा नंबर आया तो 1 बजे मैं फिनिश हुआ हूँ, आ गया हूँ पप्पू हीरो बनकर। और आपने बताना कमेंट्स कर कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ, आज मैंने कटिंग कुछ डिफरेंट सी करवाई है, मैंने कहा मेरी ज़रा बाबू वाली कटिंग कर दो हीरो वाली, अभी मुझे शर्म भी आ रही व्यूअर्स, और बड़ा
अब आ गए हैं व्यूवर्स, क्या करें, ये भी लाजमी था, गर्मी आ रही है, पसीना और धूप सख्त हो गई है। मैं बाईपास पर घर की तरफ जा रहा हूँ, बड़ा ही रोमांटिक मौसम है, माहौल है और हल्के हल्के बादल निकल रहे हैं साइडों से, कोई अब्राबाद वाली साइड से, कोई पिंडी वाली साइड से, शायद कि ये बादल बारिश में तब्दील हों। और गंदम को भी हाथ लग गया, व्यूवर्स कटाई शुरू हो गई है गंदम की भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बड़ा ही फंटास्टिक माहौल है। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से माहौल चेक कराता हूँ, ये चेक करें व्यूवर्स, व्यूअर्स शेप चेक करें गंदम की, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लासिक कलर है, बन गया है पक कर गंदम का, आउटस्टैंडिंग। और हवा चल रही है, दरख्त हिल रहे हैं, धूप सख्त है व्यूअर्स। और मज़े की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करें रब का काम है कि हवा ताज़ी फ्रेश फ्रेश हवा है, और ये जब आगे महीने गुजरेंगे तो ये हवा भी रुक जाती है, हबस बन जाती है, गर्मी हो जाती है। और ये देखें आप, उस साइड पर भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लोग अपने मुख्तलिफ कामों के लिए, कोई जा रहा है सैर सपाटे के लिए, हम अभी तक कहीं नहीं गए, इंशाल्लाह इरादा है कल परसों तक जाने का। तो ये देखें, ये देखें, तो उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, ये ब्यूटीफुल हवाएं फ्रेश फ्रेश, मैं खड़ा हो गया तो आगे थोड़ी सी फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी हवा खा लूँ, पसीना है वह खुशक हो जाए। तो व्यूअर्स टाइम हो गए हैं 1:30 और मैं 10 आया था, तो टाइम 1:30 हो गए हैं। अब चलते हैं घर और खाना वाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे गपशप करेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं घर। व्यूअर्स मैं जा रहा था घर, तो मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ। ये देखें गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और लोग कटाई को करने लग गए हैं गंदम की, और बड़ा ही ज़बरदस्त, अभी थोड़ी धूप सख्त है, तो 4-5 के टाइम आएंगे फिर इसकी कटाई शुरू कर देंगे, और सुबह अजान के बाद आ जाते हैं, कटाई करते हैं गंदम की। ये देखें, ये हमारे गांव की पहली फसल है जहाँ कटाई शुरू हुई है, ये देख लें आप। तो आए अब चलते हैं घर। तो लीजिए व्यूअर्स, हम फिर हो गए हैं आपकी खिदमत में हाजिर, और सब्र शुक्र के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं, और आपका भी शुक्रिया आप मेरे साथ बने रहते हैं मेरी वीडियो ब्लॉग वाली में। और व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है, मैं 1 आया था घर, मैंने खाना भी नहीं खाया दिन का, और मैं फिर सो गया था आके, और खाना भी नसीब नहीं हुआ, इतनी थकावट थी गर्मी की वजह से सो गया। ओए होए होए दूर आए हाय, सारी ढांसा व्यूअर्स, ये कच्चा रास्ता है, अभी बना नहीं है, पता नहीं कब बनेगा। तो सो गया था, फिर चला गया मैं दूध लेने, अब दूध लेके आया हूँ वापस, मैंने कहा चाय बना के पीएंगे, आपको मैंने बताया था आई लव टी, माई फेवरेट टी, बस मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, बस मैं बोलूँगा तो आप ना फिर परेशान हो जाएंगे, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो व्यूअर्स मौसम बन गया बहुत रोमांटिक प्यारा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि बादल निकल आए हैं, ये चेक करें व्यूअर्स बादल, आहा ये टुकड़ा बादल का चेक करें व्यूअर्स, ओहो ज़बरदस्त, वाह जी क्या बात है, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक बारिश में तब्दील कर इस बादल को, आमीन सुम आमीन। ये देखें इस तरफ भी बादल, आहा हाय हाय, ये कच्चा रास्ता व्यूअर्स, गाड़ियाँ आती हैं तो परेशानी होती है, डस होती है बहुत, और ये जो ये वाला जो हिस्सा है ना बादल का, हाय हाय इसकी तो रोमांटिक, आहा हाँ व्यूअर्स मज़ा आ रहा है व्यूअर्स, ले मैं भी थोड़ा इसके पीछे चेक करें व्यूअर्स कैसा लग रहा है आपको बादल, मज़ा आ रहा है ना व्यूअर्स, और इस तरह के मज़े अच्छी बात है आना, समझा करें व्यूअर्स ये मज़े अच्छी बात है आना। और मैं दूध ले आया हूँ, अभी जाऊँगा चाय बनाऊँगा, चाय बना के फिर बेचेंगे दूध, और इस तरह की चीज़ें बनाते रहते करते रहते हैं हम, तो ये चीज़ें चाय जो है वो कुछ ना दें मुझे सारा दिन भूखा रखें, चाय दे दें तो बस मैं रज के ना सो जाऊंगा, बस चाय दे दें मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो व्यूअर्स टाइम हो गए हैं, असर की अजानें हो चुकी हैं, और आई थिंक असर की नमाज भी हो चुकी होगी, तो बड़ा ही प्यारा माहौल बना हुआ है। तो आए हम चलते हैं घर, और घर चाय बना के पियेंगे, फिर मज़े लेंगे, फिर
फिर थोड़ा सा गपशप मारने के लिए आपके साथ बाहर आएंगे। तो ये देखते जाएं आप, ये देखें चारों अतराफ से बादलों ने घेर लिया है हमारे इलाके को। अब अल्लाह करे ये बारिश में हो जाए तब्दील तो मज़ा आ जाएगा व्यूवर्स, ये देखें। तो लेट्स गो, चलते हैं अब घर। तो लें व्यूवर्स, मैं चाय पी के फिर आ गया हूँ बाहर, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है व्यूवर्स, फंटेस्टिक माहौल बना हुआ है, अमेजिंग मोमेंट, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बादल आ गए हैं और फ्रेश फ्रेश हवा जो है वो तेज़ हो गई, हवा का रुख भी तेज़ हो गया है, मज़ा आ रहा है और बड़ा ही फंटेस्टिक माहौल है। तो चाय पी ली है मैंने, और चाय पी है कोई दिमाग ठिकाने आया है, दिमाग पहले सटाया हुआ था, काम नहीं कर रहा था। तो ये आपको मैं थोड़ा सा माहौल दिखाता चलूँ, ये देखें आप, ये अब मैं दूसरी साइड पर आया हूँ, ये देखें प्यारा माहौल बना हुआ है सारा व्यूवर्स, ये चेक करें बादल आए हुए हैं, अमेजिंग माहौल फंटेस्टिक है, ये देखें चेक करें, ये हाय हाय क्या ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स ये देखें, ये बच्चे पतंग लूट कर आ रहे हैं, ये आ गए, हाय हाय आ जी, रुक जाओ, अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए, किधर गए और कहाँ जा रहे हो? आप मैं मिल गया हूँ, अच्छा क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहे थे, ये गुड्डा फट के, ये बताओ जरा। तो व्यूअर्स ये कह रहे हैं हमारी पतंग टूट गई है यार, ओहो चले कोई नहीं, चेपी लगा देना। तो ये लूटा है या अपना है? सच सच बताना, तूत में, अच्छा अच्छा ये कह रहे तूत में अड़ा हुआ था, दरख्त पर अड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, तो इसने तोड़ लिया। और तू से भी क्या कर रहा है? मैं तीले जमा कर रहा हूं। तीले पतंग बनाएगा? अच्छा पतंग उड़ा लेते हो? अच्छा तो क्या कहना चाहोगे देखने सुनने वालों को? कुछ कहो ना, कहते हैं पता नहीं व्यूअर्स क्या कहूँ, कुछ कहो ना, जो पतंगों के शौकीन है आपकी तरह बच्चे, उनको लिए क्या कहोगे, उनके लिए? टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा करते हैं। और क्यों उड़ाया क्यों ना करें, टाइम ज़्यादा के अलावा और क्या चीज़ इसका नुकसान है? वो मेरा पतंग काट देते हैं। अच्छा ये पतंग इसकी काट जाती है, और ये बच्चों आपको कह रहा है कि आप ना उड़ाया करें, पतंग अच्छा शौक नहीं है। तो अभी आपने ये लूट ली है, तो आपके पास धागा है उड़ाने के लिए? किधर है धागा? अच्छा जेब में रखा हुआ है। आपका नाम क्या है? अब्दुल राफे खान। उसका नाम है मोहम्मद सैफ अब्दुल राफे। ये दोनों कज़न हैं आपस में, और ये जा रहे थे, मैंने कहा भाई रुको मेरे से भी थोड़ी बातचीत करो, मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते बच्चे व्यूवर्स, ये देखे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, ये लिफ्ट ही नहीं कराते, वो क्यों नहीं लिफ्ट कराते होते अपने बड़ों को? ये ले, ये मिल गए, चलो यार थैंक्स, आप जाओ खेलो, इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप होगी। तो ये चले गए हैं व्यूवर्स, और बड़ा मज़ा आया इनसे गपशप लगा कर, बच्चे थे क्यूट क्यूट से, और इनकी बातें आपने सुनी, और क्यूट क्यूट का है तो हंसते जा रहे हैं। आप क्यूट नहीं हो? क्यूट हो ना, आप क्यूट हो ना, फिर हंस क्यों रहा है ये? हाँ आप ज़्यादा क्यूट कह रहे हैं, आप ज़्यादा क्यूट हो। तो ये चले जी व्यूवर्स, ये भी चले गए, आपने देखा मोल, ये ले एक और पतंग लेके आ गए, आए आए उसके पास भी लेके चलते हैं व्यूवर्स आपको, ये बच्चे दो भाई हैं पतंग उड़ा रहे हैं, उनके पास भी लेके चलता हूँ आपको। ये दो भाई हैं व्यूवर्स, बड़े शरारती हमारे मोहल्ले के सबसे शरारती बच्चे ये दो, देखिए हंस रहा है, टोपी पहनी शरीफों वाली, और काम इसके जो है ना बड़े ही ख़तरनाक काम है इसके, वो देखें वो छोटा जो है वो बहुत गलत बंदा है, वो बहुत मस्ती करता है। और ये इनकी रही पतंग, ये नहीं ये पतंग उड़ा रहे हैं, ये देखो सारी डस है, नज़र ही नहीं आ रहा कैमरे में सही से। तो ये उड़ा रहे हैं पतंग, और ये देखें ये भी, ये दोनों भाई हैं बड़े शरारती हैं, और इनको हमने शरीफों वाला लफ्ज़ दिया, वो शरारती हैं ना, इसलिए हम इनको कहते हैं सबसे ज़्यादा शरीफ यही है। ये जो है ना इसकी कंप्लेन भी हुई है, ये इसकी रिपोर्ट हुई थी एक दफ़ा, इसको फिर हम बचाने के लिए गए थे। ये देखिए आप, ये दे चाचा वे, ये कह रहा चाचा वे, आदि ये किसकी पतंग है? तुम्हारी है? अच्छा तो उसको उड़ाओ ना, इसको लो, इससे लो, कहो मुझे दो, देना देना के बच्चे। तो व्यूअर्स आपने देखा ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको खेलने देते हैं, जो इनका काम है, और इन्जॉय करें ये, हमने भी इन्जॉय किया इनके साथ, गपशप लगाई, थोड़ा हंसा मजाक किया हमने इनके साथ, आपने इन्जॉय किया होगा इन बच्चों को।
बच्चों के साथ गपशप को। तो अब टाइम हो गया बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सा, तो अब चलते हैं घर। उम्मीद है आपने ये छोटा सा व्लॉग आज एंजॉय किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप विलेज लाइफ को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए बनाता हूँ व्यूवर्स। तो टाइम हो गए हैं आई थिंक 6:30 के टाइम है, और मैंने भी बड़ा अच्छा अच्छा इसलिए फ्रेश हुआ हूँ, दिमाग कुछ ठिकाने आया, पहले दिमाग ही काम नहीं कर रहा था भूख की वजह से, कुछ खाया भी नहीं था। तो व्यूवर्स उम्मीद है आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जाने से पहले कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। आप शेयर करेंगे तो भाई को अच्छा लगेगा, भाई जब अच्छा लगेगा भाई को तो खुश होंगे, तो आपके लिए भाई दिल का दरवाज़ा और मज़ीद बढ़ा करके खोलेंगे, ताकि आप अंदर आके सुकून से रह सकें मेरे दिल में, दिल के करीब, और मैं आपके। तो ये प्यार में उसका सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक अच्छे से टॉपिक व्लॉग पर। तो दो में याद है कि आप सम्मान में रहें। खुदा हाफिज़।